हाय गाइस, दावत किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कमल ककड़ी के कोफ्ता करी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी अंदाज़ बनाया है मैंने यहाँ पर। आइए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 6 से 7 कमल ककड़ी, छोटी छोटी सी। इनको अच्छे से धोकर, अच्छे से बिल्कुल वॉश करके इसको हम पिलर की सहायता से छील लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ये अच्छे से साफ हुई हुई। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे से पीसेस काट लेंगे, क्योंकि हमें इसको अभी उबालना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने काटा है। अब मैं इसको उबाल लूँगी। उबलने के बाद देखिए, ये ऐसा हो गया है, बहुत सॉफ्ट। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि आगे हमें इसके अभी कोफ्ते बनाने हैं। देखिए, ये पेस्ट बन गया है इसका। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गाजर। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये तकरीबन 100 ग्राम की गाजर है। इसमें बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ 3 बॉइल्ड आलू। इनको हम इसमें मैश कर लेंगे। और इसमें ऐड करूँगी 3 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नमक। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया है और 1 चम्मच बैटर लेके उसको हल्के हाथों से घुमाते हुए इस तरीके हमें सारी बॉल बना के रखनी है। दोस्तों, आप सारे मसाले अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा। देखिए, सारे बॉल्स बनके तैयार हो गई हैं। आप चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने को रख दिया है और हम सारी बॉल्स को यहाँ पर फ्राई करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स जो हमने बनाई है उनको हम तेल में डाल देंगे। हमें इन्हें तलते हुए आंच को बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और ऊपर से पक जाएंगी। देखिए, मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। इस तरीके से हमें हल्के हल्के हाथों से इनको पलटना है। मैंने करछली का सहायता से इसको नहीं पलट रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो इसलिए इनको चम्मच की सहायता से धीरे धीरे पलटना है, ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। बहुत अच्छे से बनके तैयार हो चुकी हैं ये कमल ककड़ी के कोफ्ते हमारे। इनको हम बाहर निकाल लेंगे अच्छे से टिश्यू पेपर पर। और अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए एक पैन लेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मसाले। इसमें मैं 1 चम्मच जीरा, 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 5 लौंग, 8 काली मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है खरबूजे के बीज, और साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 काजू। इन सबको भी मैंने साथ में डाल दिया है। और इसको हम भुनेंगे। और भुनने के बाद हम डालेंगे इसमें, मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, 3 से 4 साबुत हरी मिर्च, 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। और इन सबको हमें भूनना है जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। देखिए, अच्छे से भून चुकी है प्याज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे मसाले। मैंने 1 चम्मच यहाँ देगी मिर्च लिए अच्छे कलर के लिए, और इसको हम पहले ही डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको वापस से हमें ऐसे चलाते रहना है 2 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अच्छे से पक जाए। देखिए, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। और अब हम इनको ठंडा करने के बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तब तक अपने कोफ्ते देखते हैं। देखिए, कितने अच्छे कलर के कोफ्ते बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। मैंने यहाँ एक पैन में 2 चम्मच ऑयल लिया है, 2 टेबल स्पून। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 चम्मच धनिया पाउडर। मसाले अच्छे से पक जाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। देखिए, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब जो हमने ग्राइंड किया हुआ पेस्ट था हमारा, वो हम इसमें ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ये मेरे पहले वाले मसालों का मैंने पेस्ट बना लिया था मिक्सी में, काजू और लहसुन प्याज इन सब का। और इसको मैंने टमाटर वाली ग्रेवी में डाल दिया है, और हमें ग्रेवी को अच्छे से पकाना है। 2 मिनट पकने के बाद
इसकी जो रिचनेस है इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी दही। दही डाल के हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए, इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक मैंने इसमें बाद में डाला है और इसको हमें इस तरीके से पकाना है 2 मिनट के लिए। दोस्तों, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, बबल्स आ चुके हैं इसमें। हमारी ग्रेवी जो है वो हम इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। उसके बाद इसे मैंने एक चम्मच चीनी डाली है ताकि ग्रेवी की जो टेस्ट नमक और चीनी का बैलेंस रहे। ये देखिए, ग्रेवी बिल्कुल बन के बढ़िया तैयार हो चुकी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब चलते हैं कोफ्तों की तरफ और इनको हम सर्व करते हैं। ये देखिए, सारे कोफ्ते जो हैं उसके ऊपर मैंने इस तरीके से ग्रेवी जो है वो अच्छे से डाल दी है और ये मेरे कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको मैं 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। लीजिए, तैयार हो गई है कमल ककड़ी की कोफ्ता करी सर्व करने के लिए। ये देखिए, कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं कोफ्ते हमारे। मैं एक बार दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। बहुत सारे लोग कमल ककड़ी ये कोफ्ते बनाना नहीं जानते हैं या इनको ट्राई नहीं करते हैं इसको देखने के बाद। दोस्तों, इसको ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे संग फेसबुक पर जुड़िए और यूट्यूब पर जुड़िए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।